guys, welcome back to my channel Kiran Tutorials. If you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel, the red button below. So today's video is all about hair care essentials for all the girls out there. So bahut zyada affordable price mein bataya hai and ye sabhi cheeze main khud ke liye use karti hu. That's the reason aaj maine aapko suggest kiya hai jo ki aapko zarur apne hair ke liye use karna chahiye. Let's start. तो आपने ज़रूर सुना होगा आजकल कहते हैं कि हमने रबर बैंड्स नहीं यूज़ करनी चाहिए बिकॉज उससे जो है वो बाल बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होती है एंड साथ में आपके जो बाल है वो वीक भी होते हैं स्पेशली फ्रॉम रूट्स. ठीक है, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं. तो आप स्क्रंचीज ट्राई कर सकते हैं. स्क्रंचीज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर अमेजोन पर मिल जाएंगी जो कि मैंने खुद परचेज़ किया एंड ये मेरे सेकेंड टाइम था कि मैंने इसे यूज़ करा या फिर परचेज़ करा फ्रॉम अमेजन. आपने ज़रूर एसेंशियल ऑयल्स के बारे में सुना होगा या फिर देखा होगा. सो एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके बालों के लिए. आपका कोई भी हेयर कंसर्न होता है ना, आप इन्हें यूज़ करके उसे ठीक कर सकते हैं यार. लाइक बहुत तरीके के आते हैं एंड ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको दिखाया वही ख़रीदना है. जो कंपनी का आपको अच्छा लगे आप अपनी पसंद का ले सकते हैं. मैं एब्स गुडनेस का यूज़ करती हूँ बिकॉज वो मुझे इफ़ेक्टिव भी लगता है एंड अफोर्डेबल प्राइस पर भी मिल जाता है. एंड आप इसे हमेशा डिल्यूट करके ही लगाना, कभी डायरेक्टली नहीं लगाना. तो कोई सीरम बना लो, कोई हेयर मास्क बना लो, कोई ऑयल बना लो, फिर अप्लाई करो. सो आपने बचपन से ही सुना होगा कि हाँ, एलोवेरा का जो रियल प्लांट है वो लगा सकते हो आप. उससे आपके जो बाल है वो स्ट्रेंथन अप होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, हेल्दियर होते हैं. बट कई बार अवेलेबल नहीं होता, हम सोचते हैं कौन सी लगाए. तो जो मेरी फेवरेट है पर्सनली, तो ये मैं अमेजोन से मंगाई थी मैंने एंड मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गई थी. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे लग रहा है मैंने 10 इसकी ट्यूब्स को ख़त्म कर दी होगी, मुझे इतना पसंद है. तो इट्स एवर यूथ एलोवेरा एंड ककुम्बर जेल. सेकेंड नंबर पर जो मुझे पसंद है ये गुड वाइब्स की एलोवेरा जेल लगती है मुझे, क्योंकि दोनों ना मैं अपनी स्किन और हेयर के लिए यूज़ कर लेती हूँ जब मेरे पास रियल वाला नहीं होता है. एंड इसके अलावा मैं वाओ की यूज़ कर लेती हूँ बस. पुराने ज़माने के लोगों के बाल कितने अच्छे होते थे, आजकल के ट्रीटमेंट्स भी नहीं होते थे. वो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल एंड अच्छी चीज़ें यूज़ करते थे अपने बालों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती थी एंड आपके बाल जो है वो नेचुरली ग्रो होते थे, कोई केमिकल नहीं होता. तो आपने मेरी वीडियो में कितने पाउडर देखे होंगे, हिबिस्किस पाउडर, आंवला पाउडर, मेथी पाउडर और साथ में शिखाकाई पाउडर, रीठा पाउडर, इतने सारे मैं यूज़ करती हूँ ना. मतलब नेचुरल ही मेरा हेयर केयर चलता है और कुछ नहीं. एंड करी लीफ पाउडर, रोजमेरी, कितने सारे मिलते हैं. तो मैं एल्स गुडनेस का ही मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल ऐसे यूज़ करती हूँ चीज़ें. बट हाँ, अगर आप चाहे कोई और कंपनी की भी ट्राई कर लो. ऐसा नहीं कि मैं लाइक स्पॉन्सर करूँ, कुछ स्पॉन्सर की बात नहीं. जो मुझे पसंद है ना मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आज आपको, तो डोंट वरी, मुझे कोई इशू नहीं. आप कोई भी कंपनी का ले लो क्योंकि मैंने ट्राई ही इस कंपनी का किया और मुझे इस पर ट्रस्ट है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ये. तो मैंने आपको ना चीज़ें बताई हैं जो कि ज़रूरी है, तो आप कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद है. स्क्रंची तो किसी भी कंपनी की हो सकती है ना, लाइक करी लीफ पाउडर तो किसी भी कंपनी का हो सकता है. तो आप जो दिल कर रहा है वो लो. बस मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं कि ये चीज़ें आप अपने हेयर एसेंशियल में एड ऑन कर सकते हो. कोई एलोवेरा जेल हो गई या फिर आयुर्वेदिक पाउडर्स हो गए, स्क्रंचीज हो गई, इस अकॉर्डिंग बताया है मैंने. टू बी ऑनेस्ट, ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, हमेशा नहीं कर पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ. तो ना आप इसे गीले बालों पे लगा सकते हो, जब आप हेयर वॉश करके आते हो तो बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ बाल सच में हो जाते हैं इसे लगाने के बाद. सो इट्स अ हेयर सीरम, सिर्फ लेंथ पे लगाना होता है. तो आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे कि मैं अभी हेयर वॉश करके आई थी ना, तो उसके बाद मैंने सिर्फ लेंथ के ऊपर लगाया एंड आपने ऐसे अपने बालों को सूखने देना है. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपके बालों को हाइड्रेटेड रखेगा, शाइनी एंड सिल्की स्मूथ बना देगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हर रोज यूज़ होने वाली है, इट्स अ वाइट टूथ कॉम. सो छोटी छोटी वाली तो आपने देखी होगी, वो नहीं यूज़ करना. उससे आपके बाल भी फंसते हैं और आपके जो बाल हैं वो टूटते भी हैं, जिससे आपकी हेयर ब्रेकेज ज़्यादा हो जाती है. तो ये वाइट टूथ कॉम्ब होती है ना, इससे आपके टेंगल्स भी रिमूव हो जाते हैं एंड फंसते भी नहीं हैं बाल. एंड स्पेशली अगर आपके बाल थोड़े से गीले हों तो भी आप इससे कर सकते हैं यूज़. होप कि आज की
वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो हाँ, अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं, देन आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि लाइक ऐसी ऐसी हमें वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से वो वीडियो लेकर आऊं। एंड हाँ, एंड साथ में आप ये वीडियो अपने लव्ड वन के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको मिलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय, लव यू ऑल।